नमस्कार दोस्तों, मैं निखत बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। पथरी की बीमारी आज के समय में काफी कॉमन हो गई है। नौजवानों की इसकी चपेट में आने से खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। दिन भर में जरूरत से कम पानी पीने से या गलत खान पान की आदतों की वजह से गुर्दे में पथरी बन जाती है। इसका पता तभी चल पाता है जब पेट में असहनीय दर्द होता है, लेकिन तब तक छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े काफी बड़े हो चुके होते हैं और इससे शरीर से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। इसके लिए कुछ लोग लेजर ऑपरेशन का सहारा लेते हैं, वहीं अगर पथरी ज्यादा बड़ी नहीं हुई है तो यूरिन के माध्यम से भी बाहर निकल जाती है। पथरी के मरीजों को खान पान का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी लापरवाही करने से इसका सीधा असर सेहत पे पड़ता है। कुछ फल सब्जी सहित तमाम ऐसी चीजें हैं जो किडनी के स्टोन पेशेंट के लिए घातक साबित हो सकती है। आइए जानते हैं कि पथरी में पपीते का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, साथ ही जानिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिनमें पपीते नहीं खाने चाहिए। पथरी से जूझ रहे लोगों को क्यों नहीं खाना चाहिए पपीता। पपीता एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का ज्यादा सेवन करने से इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम ऑक्सलेट टूटकर स्टोन बन जाता है। साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट की वजह से किडनी के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। अगर आपको पथरी है, जानकारी के अभाव में इसका सेवन कर रहे हैं, तो स्टोन का आकार बढ़ सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।